धोनी की होगी अगली परीक्षा। एशिया 11 को हर हाल में जीतना होगा, तो वहीं सुरेश रैना के पास है आखिरी मौका। दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एशिया 11 वर्सेस आईसीसी वर्ल्ड 11 के बीच होने वाले मैच की टाइम टेबल घोषणा हो चुकी है, जिसमें पहला मैच 18 मार्च को खेला जाएगा। दोस्तों आपको बताएंगे ये मैच कितने बजे से शुरू होगा और भारत के कौन कौन खिलाड़ी शामिल होंगे और आईसीसी वर्ल्ड 11 की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, तो वहीं इस मैच में धोनी की क्या भूमिका होगी। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं धोनी और रैना इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एशिया 11 वर्सेस आईसीसी वर्ल्ड 11 के बीच होने वाले मैच की टाइम टेबल घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें दोनों टीमों के बीच पहला मैच 18 मार्च को शाम 6 बजे से ढाका के शेर ए बांगला स्टेडियम में खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा मैच 21 मार्च को शाम 6 बजे से ही ढाका के शेर ए बांगला स्टेडियम में होगा। आपको बता दें ये सीरीज 2 मैचों की होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने काउंसलिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की 26वीं सालगिरह पर एशिया 11 और विश्व 11 के बीच 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने का फैसला किया है। BCCI चीफ सौरभ गांगुली ने बताया है कि एशिया 11 में भारतीय टीम की तरफ से 5 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऐसे में इन 5 भारतीय खिलाड़ियों में रोहित शर्मा, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सुरेश रैना हिस्सा ले सकते हैं। तो वहीं विराट कोहली और अन्य भारतीय खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के अंतिम मैच का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उसी समय भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज भी खेल रही होगी। तो वहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर एशिया 11 में शामिल नहीं हो पाएंगे। BCCI के संयुक्त सचिव JS जॉर्ज ने कहा, कोलकाता में पिंक बॉल टेस्ट को लेकर काफी चर्चा हुई थी, तो ऐसे में एशिया 11 में भारतीय खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खेलना मुश्किल लग रहा है। हालांकि यह सब सौरभ गांगुली पर निर्भर करता है, उनकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से इस बारे में बातचीत हो रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान के हटने पर भारतीय टीम के साथ एशिया 11 टीम में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें हिस्सा लेगी। तो एशिया 11 के प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, कुशल परेरा, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सुरेश रैना, मोहम्मद रमी, राशिद खान, डिटोल, मशरफी मुर्तजा और मुस्तफिजुर रहमान हो सकते हैं। तो वहीं कप्तानी की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में होगी, क्योंकि धोनी दुनिया के सबसे महान कप्तानों में से एक है और उन्हें टीम को लीड करना बखूबी आता है, इसलिए धोनी को कप्तान एशिया का कप्तान बनाया गया है। इसलिए धोनी की भी ये अग्नि परीक्षा होगी कि वे अपनी चतुर कप्तानी से ICC के वर्ल्ड 11 टीम को मात दे और पूरी दुनिया में अपनी कप्तानी का डंका बजाए और साथ ही भारत का नाम रोशन करे। आपको बता दें दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी ICC के वर्ल्ड 11 के टीम में होंगे, तो ऐसे में धोनी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी उन्हें हराने की। तो वहीं सुरेश रैना के लिए भी ये एक अच्छा मौका होगा एक बड़े मंच पे अपने आप को साबित करने का। अगर वे यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय टीम में उनकी वापसी हो सकता है। वैसे आपको बता दें ये दोनों मैच T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, तो ऐसे में रैना के पास आखिरी मौका है यहाँ पर अच्छा खेलकर अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह बनाने की। तो वही दोस्तों अगर बात करें ICC वर्ल्ड 11 के प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, किरण पोलार्ड, आंद्रे रसेल, बेन स्टॉक, जिमी निशम, इमरान ताहिर, कगिसो रबाडा, मिचेल स्टॉक और ट्रेंट बोल्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप भी तैयार हो जाइए रोमांचक मैच के लिए, जहां पर भारत के धोनी वर्ल्ड 11 को अपने चतुर दिमाग से मात देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं धोनी की कप्तानी का लोहा पूरी दुनिया माने, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।